हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिले के जसवंतपुरा तहसील के सिंधरा निवासी मोर कंवर ने स्कूल के अभाव में 8वीं कर छोड़ी पढ़ाई, 10 साल बाद प्राइवेट पढ़कर पूरी डिग्री की और अब प्रथम प्रयास में आरएएस में चयन हुआ है। कंवर ने बताया कि माता पिता के सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर पाती। मोर कंवर का आरएएस में 519वीं रैंक चयन हुआ है। गाँव में 5वीं तक ही सरकारी स्कूल होने के कारण 5वीं पढ़ने के बाद अन्य गाँवों में 8वीं तक पढ़कर छोड़नी पड़ी स्कूल। 10 साल के अंतराल के बाद शुरू की प्राइवेट पढ़ाई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के परीक्षाओं में इस बार कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो विपरीत हालातों के बावजूद सफल हुई हैं। उनमें से ही एक जालौर जिले के जसवंतपुरा के सिंधरा गांव की मोर कंवर, जिन्होंने न केवल स्कूल छोड़ने के बाद 10 साल के अंतराल के बाद प्राइवेट पढ़कर डिग्री की बल्कि प्रथम प्रयास में आरएएस में भी सफलता पाई है। इस बार जारी हुए परिणाम में मोर कंवर की 519वीं रैंक व 93वीं रैंक महिला वर्ग में आई है। सुनिए मोर कंवर की कहानी उनकी जुबानी। मेरा नाम मोर कंवर है, फादर का नाम उमेश सिंह जी। मैं सिंधरा गांव जसवंतपुरा तहसील से जालौर से हूँ। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा 8वीं तक की थी। प्राथमिक स्कूल मैंने गांव से की, उसके बाद मैं पास के गांव से की थी। और एक 10 से 12 साल के गैप के बाद में जब मैं 22 साल की हुई तब मैंने दोबारा निर्णय लिया कि मुझे पढ़ना चाहिए आगे। और उसके बाद में मैंने स्वयं पाठी के रूप में 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन होते होते मैं 27 साल की हो गई थी। और उसके बाद में 2017 में ही मैंने SI के साथ साथ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए भी अप्लाई किया था। अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ में मैंने ये दोनों प्रयासों को निभाया, जिसमें राजस्थान सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट का मैं अभी वेट कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि गर्ल्स में मैं सेकंड टॉपर रहूँगी। और साथ ही प्रशासनिक सेवा में मेरा रैंक है वो 519 है। इस दौरान मुझे सामाजिक स्तर पर कई समस्या का सामना भी करना पड़ा, विरोध भी करना पड़ा, पर इस सफर में मेरे माता पिता, मेरा छोटे भाई और कुछ गुरुजन मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं आगे भी इसी तरह से प्रयास करूंगी। जागरूक टीवी के जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।